हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम, और हमने कहा कि अगर हाइड्रोजन किसी बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अगर एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो दूसरा एटम है जिससे वो जुड़ा हुआ था, मतलब कि हाइड्रोजन, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सभी मॉलिक्यूल्स में इस तरह का पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अपोजिटिवली जो एंड है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, और यही अट्रैक्शन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, जो और हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही हाइड्रोजन है जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े हुए हैं, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हमने दो कंडीशंस के बारे में भी देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की दो कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? पहली कंडीशन ये कि जो हाइड्रोजन से कोवेलेंट, जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ने वाला जो एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखना चाहिए। तो वो हमने कहा कि साहब वो या तो हो सकता है नाइट्रोजन, या हो सकता है ऑक्सीजन, या हो सकता है फ्लोरीन। तो ये जो फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वाले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। और दूसरा ये कि इन में भी जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, मतलब वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन को, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन को, इन तीनों को हम ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में अगर हम देखें, और इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को तोड़ने के लिए, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिसको आप डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हो, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए सबसे ज्यादा चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 41.8 किलो जूल्स पर मोल। और अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो 29.3 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको चाहिए, और अगर आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो 12.6 किलो जूल पर मोल का एनर्जी लगता है। तो जाहिर सी बात है कि इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका साइज जो है इन दोनों से छोटा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, इस वजह से इसका जो डिसोसिएशन एनर्जी है या इस हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपको कहीं पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, या किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो वहां पर आप क्या बताओगे, वहां पर आप देखोगे कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा होगा, वही मॉलिक्यूल ऐसा होगा या कंपाउंड ऐसा होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो कितने टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है, या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उस पर हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या टाइप्स है, तो ये बेसिकली दो टाइप्स इसके हमें मिलते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अरे आपने सुना होगा ना, दो शहरों को, एक शहर ये ए है, एक शहर ये बी है, इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए एक ट्रेन चलती है जिसको हम बोलते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो दो चीजों को, दो अलग अलग चीजों को जोड़ने वाली जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं इंटर, है ना, और शहरों को जोड़ रही है इसलिए इंटरसिटी, और अगर मॉलिक्यूल्स को जोड़ रही है तो इंटर मॉलिक्यूलर, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, है ना। तो
नाम से ही पता चल गया कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ने के लिए, या तो सेम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इनको जोड़ने के लिए जिस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड वहां प्रेजेंट होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया HF का, अब ये दूसरा HF, ऐसे ही ये तीसरा HF, ऐसे ही ये चौथा HF। अब हमें पता है कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सेम इसी तरह से यहां पर ये पैटर्न आपको दिखेगा, चाहे वो एक मॉलिक्यूल हो, चाहे वो 1,000 मॉलिक्यूल हो, चाहे 1 करोड़ मॉलिक्यूल हो। तो यहां पर आप देखो कि ये फ्लोरीन के पास पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहेंगे। तो ये जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, जिसको मैं ये डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, ये इसी को आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कैसा, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ऐसे ही आप वाटर में देखते हो, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल देखो तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, अब इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से अगला हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक बात है। और कहां पर देखने को मिलती है, ये तो आपने सिंपल सिंपल से मॉलिक्यूल्स देख लिए, और आपको देखने को मिलेगी जब आप क्या पढ़ते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहां पर पढ़ो एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे बताओगे आप, ऐसे बताओगे कि ये सब CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास में O और H, ऐसे ही यहां पर ये CH3, यहां पर ये और ये, है ना। अब ये देखो इसके बीच में, इसके बीच में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में, देखो यहां पे, ऐसे ही यहां पर इसके बीच में देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो मॉलिक्यूल के बीच में है। तो इस तरह का जो एसिटिक एसिड होता है, अब ये इसके बाद में किसी कोई भी वैकेंट साइट नहीं होती, तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइमर बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और डाइमर बनाते हैं। जैसे पॉलीमर पढ़ते हो ना, एक मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम मोनोमर बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स अगर जुड़े हुए हो तो डाइमर होता है, तीन होता है तो ट्राइमर होता है, टेट्रामर, पेंटामर और बहुत सारे होते हो पॉलीमर, तो ये डाइमर बनाता है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाइमर फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रहता है। इसी तरह से फिनॉल्स में आप देखो, फिनॉल्स आप देखो, फिनॉल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स ऐसे होते हैं, ये OH है ना। अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा ये, इस तरह से। फिर एक और फिनॉल इनके बीच, तो इस तरह से ये जो फिनॉल है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, तो ये सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर, कि एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। तो दूसरे टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, दूसरे टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही। यहां तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहां क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ ऐसी अरेंजमेंट होगी कि वो अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर अंत है आणविक हाइड्रोजन बंध।
तो मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन अ मॉलिक्यूल, खुद अपने अंदर, अब ये कौन से एग्जाम्पल्स आप इसके बताओगे कि साहब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? जैसे कि आप पढ़ते हो नाइट्रोफिनॉल, अब यहां पर देखो ये बेंजीन, और इससे मैंने जोड़ दिया ये नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया मैंने, और मैंने क्या बोला फिनॉल, तो ये हो गया फिनॉल, ठीक है, OH जोड़ दिया तो ये फिनॉल हो गया, नाइट्रो ग्रुप ये लगा दिया और ये ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ये हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये हमारे पास में जो ऑक्सीजन है और इसका जो हाइड्रोजन है, ये आपस में क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो साइट्स हैं ये कैप्चर हो जाएंगी, फिर किसी और के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। इस तरह से एक आप पढ़ते हो सैलिसिलिक एसिड, ये आपने ले लिया और इसके बाद में एक आपने जोड़ा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक जोड़ा आपने यहां पर ये OH ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है यहां, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, किस किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, उनके एग्जांपल्स भी देखे। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उसका फायदा क्या है या उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पर या उस मॉलिक्यूल पर, ठीक है ना? तो हम बात करेंगे अब इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है तो क्या प्रभाव पड़ता है किसी कंपाउंड पर। तो पहला प्रभाव क्या पड़ता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास में ये और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आपके पास, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आपके पास, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है मान लो, या ये सॉलिड फॉर्म में है, आइस, जब मैं इसको पिघलाऊंगा मतलब मेल्ट करूंगा लिक्विड में लेकर के आऊंगा, और फिर लिक्विड से क्या होगा, लिक्विड से ये जब वेपर बनाएगा इस फॉर्म में जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देगा तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है ना? अब देखो जब सॉलिड फॉर्म में रहता है तभी भी वाटर ही रहता है। अब ये वाले बॉन्ड मत तोड़ देना कि आप इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, अगर ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? हमें तोड़ना है वाटर वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां सॉलिड फॉर्म में भी वाटर है, लिक्विड फॉर्म में भी वाटर है, और जब इसकी स्टीम बन जाती है तब भी ये वाटर ही है। इसमें भी H2O फॉर्म में है, लिक्विड में भी H2O फॉर्म में है, और वेपर में भी H2O फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है ये किस लिए देनी पड़ रही है, वो इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि यहां पर इनके बीच में वंडरवाल फोर्सेस हैं, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वंडरवाल फोर्सेस तो वीक होते, वो तो सभी मॉलिक्यूल्स में लगते, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि इन्हें तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है या देनी पड़ रही है, ठीक है ना? तो ये इसका एक प्रभाव है। अच्छा, दूसरा एक प्रभाव आपको और देखने को मिलता है, वो क्या इफेक्ट है कि अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है तो जो इसका फिजिकल स्टेट है
फिजिकल स्टेट वो बदल जाता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखूं और हाइड्रोजन और सल्फर को देखूं, तो ये जो सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, ऑक्सीजन फैमिली के। ऑक्सीजन जो है उसका 8 होता है, और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे अगर किसी ग्रुप में जाओगे उस ग्रुप में, तो यहां पर सल्फर मिलेगा, है ना, जिसका एटमिक नंबर 16 होता है। तो ऊपर से नीचे आप आ रहे हो, तो एक ही फैमिली, तो एक जैसे कंपाउंड बनाने चाहिए। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर H2S है, दोनों एक ही फैमिली के हैं। ये जो वाटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन ये जो H2S जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या रहती है, गैसियस फॉर्म में रहती है। क्यों? तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि why H2O is in liquid form and H2S is in gas form in normal conditions? क्यों पानी जो है वो तरल अवस्था में और H2S जो है वो गैस अवस्था में एग्जिस्ट करता है? तो उसको कैसे बताओगे? इसको इसलिए बताओगे क्योंकि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये जो सल्फर है H2S का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, या तो फ्लोरीन बनाएगा, या ऑक्सीजन बनाएगा, या नाइट्रोजन बनाएगा। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है वही क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। आप सल्फर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। और वैसे भी हमें मालूम है ये तीन एलिमेंट्स ही हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो सल्फर नहीं बनाता। इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो वो गैशियस स्टेट में आ जाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर रहेगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, है ना। तो ये भी आप क्या बता सकते हो, एक इफेक्ट के तौर पे बता सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं प्रेजेंट रहती है तो उनका जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या रहता है, डिफरेंट रहता है या चेंज हो जाता है। एक जो थर्ड इफेक्ट है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी होती है कि अगर हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज में मिलाएं तो वो उसमें घुलेगी या नहीं घुलेगी। अगर घुल जाती है तो हम बोलते हैं सॉल्युबल है, और नहीं घुलती है तो हम बोलते हैं कि वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन के बेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर भी बहुत सारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में मिलाने पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो उसमें घुल जाता है, और अगर नहीं बनाता है तो नहीं घुलता। जैसे अगर मैं अल्कोहल लूं, है ना, जैसे मैंने अल्कोहल ले लिया, ये C2H5OH, इसको मैंने क्या किया, पानी में मिलाया। अब पानी क्या है, पानी है। अब इसका ऑक्सीजन अल्कोहल का और वाटर का हाइड्रोजन, ये आपस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से यहां पर दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, ये इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में, और इस अल्कोहल का हाइड्रोजन क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं यहां पे ब्रैकेट में बंद कर देता, इसमें बंद कर देता हूं बॉक्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ऐसे ही फिर लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल फिर होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाए, जैसे मैंने ये पानी लिया और इस पानी को किसके साथ मिला दिया, ऑयल के साथ मिला दिया। अब ऑयल जो है और पानी दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, वो उसमें सॉल्युबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऑयल के मॉलिक्यूल के साथ किसी तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, तो इसलिए वो उसमें डिजॉल्व भी नहीं होता। अगर मैं यहां पर वाटर मॉलिक्यूल लूं, ये मैंने ले लिया वाटर मॉलिक्यूल, और मैं क्या करूं, अमोनिया जो है उसको ऐड करूं, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया ये है, तो ये अमोनिया का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन, वाटर के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और उसके बाद में यहां पर फिर वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसका ऑक्सीजन इस अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ में फिर वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ तो सॉल्युबल है, और कहीं नहीं बनाता तो सॉल्युबल नहीं है। तो आप ये बता सकते हो। अब एक चीज और यहां पर देखने को मिलती है, हमें पता है कि दो तरह के हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हैं, एक तो पढ़े हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक पढ़ा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर कोई सब्सटेंस किसी के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटर
मॉलिक्यूलर। अब यहां पर देखो, दो मॉलिक्यूल इनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये कैसा बना रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो मोर सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो वो लेस सॉल्युबल होते हैं। लेस सॉल्युबल क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि खुद के अंदर ही बना लिया उसने। अगर उसने यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर खुद के अंदर ही बना लिया, अब कोई जगह साइट क्या होगी? कम हो जाएंगी, जो किसी दूसरे के साथ में, जब हम इसको अगर किसी वाटर में मिक्स करें या किसी दूसरे सॉल्वेंट में मिक्स करें, तो यहां पर कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि इसने अपने अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में खुद ही जुड़ गए, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कैसे जुड़ पाएंगे? ठीक है ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि साहब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सॉल्युबिलिटी को घटा देता है, और इंटर मॉलिक्यूलर क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी एक इफेक्ट। यहां पर एक जो चौथा इफेक्ट है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं आपको देखने को मिले तो आप देखते हो कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट या फिर उसका जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी, इस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दो, अगर एक सिंगल सिंगल चीज हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और आएगा, और दो चीजें अगर आपस में मिल गई फिर आप उसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो इसके साथ जुड़ी हुई है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? ज्यादा। और वेपर डेंसिटी भी क्या आएगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक एक वाटर मॉलिक्यूल अलग नहीं हो सकता, लेकिन यहां बंच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो वेपर की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर एक होता कि वाटर मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का ये दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर वेपर का ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये दूर दूर रहते, तो इसकी डेंसिटी क्या होती? कम होती। डेंसिटी होता है कि किसी एक वॉल्यूम में हमने कुछ सब्सटेंसेस मिलाए, है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट में कोई चीज अगर प्रेजेंट है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पर दूर दूर है तो इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। लेकिन अगर वही हम सेम ले लें और यहां पर पास पास कर दें, क्लस्टर बना रहा है, देखो डेंसिटी यहां पर बढ़ गई, ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, तो वेपर डेंसिटी भी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो एक और चीज है जहां पर ये इफेक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइलिटी। वोलेटाइलिटी एक होता है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, एक होता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये सब रिलेटेड है इसलिए एक साथ बता रहा हूं, सरफेस टेंशन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो वॉलेटाइलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी की सारी चीजों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो वॉलेटाइलिटी होती है कि किसी भी चीज को अगर मैं हीट प्रोवाइड करूं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वॉलेटाइल है, अपने आप वो किस में हो जाती है? वेपराइज हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो वोलेटाइल है, मतलब वो अपनी एक अवस्था में स्टेबल नहीं रह करके किसी दूसरी अवस्था में चली जाए। अगर लिक्विड है तो वेपर में चला जाए, सॉलिड है तो लिक्विड में आ जाए, तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है जब हम किसी चीज को देखते हैं कि वो फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही, बह रहा है, जैसे पानी बहता है, शहद बहता है, तो ज्यादा तेजी से कौन बहता है? पानी। ज्यादा धीमे धीमे कौन बहता है? शहद। तो शहद की विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी इज अ अपोजिंग फोर्स, एक अपोजिट फोर्स है जो उस पर लगता है, तो शहद पे वो अपोजिंग फोर्स ज्यादा लग रहा है इसलिए वो ज्यादा विस्कस है, है ना। और सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है कि मान लीजिए कि हमने यहां पर एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने यहां पर पानी भर दिया, ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी दूसरा कंपाउंड मैंने भर दिया,
तो यहाँ ये एक जो लेयर होती है, ये जो ऊपर की जो सतह है, ये सब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, सब एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। वंडरवाल फोर्सेस जो है, ससंजक बल असंजक बल, इन पर काम कर रहे होते हैं, कोहेसिव और अधीसिव फोर्सेस, और ये आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, जोड़े रहते हैं, जोड़े रहते हैं। तो यहां पर एक तरह का तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये दूर दूर नहीं है, दूर दूर हो रहे होते तो वेपराइज हो जाते, यहां वेपर बनने लग जाती। ये आपस में एक दूसरे को क्या है, जोड़े हुए हैं। ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये कनेक्टेड है, ये इसके साथ इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसको इसके साथ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसने इसको इसके साथ। तो एक तरह का क्या है, चेन बन गई, और चेन इस पर्टिकुलर पोजीशन और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इसको एक दूसरे को क्या कहते हैं, खिंचाव रखती है। तो इसी को हम बोलते हैं सरफेस का टेंशन, ठीक है ना। जैसे एक तार को यहां इससे और इससे बांध दो तो ढीला बांधोगे तो ये लूज रहेगा, ऐसा टाइट बांधोगे तो टेंशन इसमें ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो यहां सरफेस पर ये टेंशन लगता है, इसलिए इसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वॉलेटिलिटी को, विस्कोसिटी को, या सरफेस टेंशन को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो देखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो क्या वो अपनी अवस्था बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। उसकी वॉलेटाइलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो आपस में क्या रहेंगे, पास 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 जुड़े हुए रहेंगे, तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कम से कम करेगा, क्योंकि वो वहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड वहां पर जुड़ा हुआ है, ये आपस में इसको जुड़ा हुआ है ना। तो वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मैं यहां पर डाउनवर्ड एरो से बता देता हूं कि वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चलो विस्कोसिटी पे बात कर लेते हैं। विस्कोसिटी पर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर होगा तो अच्छे से बह सकता है, और अगर पास पास होंगे तो क्या होगा, आसानी से नहीं बहेगा। तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वहां पे प्रेजेंट हो तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है ना, वो ज्यादा विस्कस हो जाता है, ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। और इसी तरह से जो सरफेस टेंशन है, जब ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को ज्यादा कनेक्टेड करके रखेंगे तो जो टेंशन है वो क्या, वो भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल अगर लूज 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 एक दूसरे को बांधे रखते हैं तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर ये दूर दूर रहेंगे और ये ज्यादा अच्छा सा टेंशन नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत मजबूती के साथ में है, पास 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 पास, तो ये क्या होगा, ये टेंशन बढ़ा हुआ है। तो यहां पर ये जो सरफेस है, इसका सरफेस टेंशन ज्यादा आएगा। तो सरफेस टेंशन ज्यादा आता है, विस्कोसिटी ज्यादा आती है, वॉलेटिलिटी कम आती है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पर प्रेजेंट होता है तो। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो बर्फ है वो पानी पर क्यों तैरती है, तो उसका एग्जाम्पल भी मतलब एग्जाम्पल इन द सेंस कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है, देखो आइस अगर है तो भी वो पानी है, अगर वो लिक्विड है तो भी वो पानी है। तो हम कहते हैं कि जब मैं इस लिक्विड पे इस आइस को डालता हूं तो ये तैरती है, ठीक है ना। ये मैंने ग्लास लिया, ये मैंने पानी लिया, और यहां पर मैंने क्या किया, एक आइस क्यूब लिया, और ये इसके ऊपर तैरने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल चार इस तरह का एक मतलब चार दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके रहता है और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है केज लाइक स्ट्रक्चर, तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे बनाता है केज लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये किसी और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये किसी और हाइड्रोजन के साथ में, यहां पर ये किसी और हाइड्रोजन के साथ में। आप देखो एक केज बन रही, ये फिर किसी और हाइड्रोजन के साथ में, किसी और हाइड्रोजन के साथ में, ये फिर किसी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पर ये किसी हाइड्रोजन। तो आप ये देखो एक केज बनता जा रहा है एक, और यहां पर ये बहुत बड़ा एक जगह जो है, एयर स्पेस यहां पर रहता है बीच में, इसमें हवा भरी होती है, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आइस अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, केज लाइक
स्ट्रक्चर, और केज लाइक स्ट्रक्चर में एयर स्पेस होती है जिसमें एयर भरी रहती है, और ये एयर जो भरी रहेगी वो इसकी डेंसिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो तैरने लगेगा। जब आप इसको गर्म करोगे इसको, तो ये केज टूट जाता है और मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड में, और आइस में डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए जब भी आप बर्फ को पानी में डालोगे तो बर्फ का टेम्परेचर, वो बर्फ की जो डेंसिटी है वो कम है, इसीलिए वो उस पानी जो तरल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके ऊपर तैरता है। और दूसरी एक चीज और आपने पढ़ी होगी कि सब जब ठंड पड़ती है तो ठंड के दिनों में जो पाइप है, आपने बचपन में पढ़ी होगी अपनी छोटी क्लासेस में, ये पाइप है उसमें पानी जम जाता है, और इनमें पानी जम जाएगा तो ये पाइप फट जाते हैं। फट क्यों जाते हैं, क्योंकि उस समय जब जमेगा पानी तो इसका केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो अगर ये पाइप पानी से पूरी तरह से भरे हुए थे तो इसका जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, है ना। इन दीवारों पर जब प्रेशर लगेगा इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, तो ये पाइप क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो वो इसीलिए होता है, ठीक। चलो खैर हम वापस आते हैं। इसी तरह से एक और प्रभाव आपको देखने को मिलता है कि जो कितने हो गए, छह, और एक और प्रभाव हम यहां पर देखेंगे, सेवंथ इफेक्ट, और वो होता है कि जो एसिड का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, वो आप हाइड्रोजन बॉन्ड से समझा सकते हो। अब देखो, एसिड का स्ट्रेंथ तब आप देते हो जब कोई H+ आयन ज्यादा देता है। अगर वो H+ आयन ज्यादा देगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी H+ आयन की, तो हम कहेंगे कि वो ज्यादा एसिडिक है या उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं, हमारे पास में है HF, हमारे पास में है HCl, हमारे पास में है HBr, और हमारे पास में है HI। अब आप बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो, यहां HF में बात करो तो HF तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और बाकी के ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ना ब्रोमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट ये फ्लोरीन बनाता है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेगा, ये हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देगा। और जब हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। और क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन से कम है, तो ये कम आकर्षित करके रखेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन निकलने की संभावना ज्यादा होगी। अगर ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन का साइज और बड़ा होता है, और बड़ा होगा तो वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन, तो ये आसानी से इसको यहां से लूज कर देगा और H+ आयन बना देगा। और यहां पर अगर आयोडीन में देखें तो आयोडीन का साइज और बड़ा होता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो ये इसको रोक नहीं पाएगा और H+ आयन ज्यादा निकल जाएगा। तो आप देखोगे कि जहां पर H+ आयन ज्यादा निकलेगा वो क्या होगा, वो ये HI होगा, इसलिए ये क्या होगा, ये मोर एसिडिक, और ये क्या होगा, ये लीस्ट एसिडिक। तो हाइड्रोजन के बेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर आप एसिडिक स्ट्रेंथ दे सकते हो कि अगर वहां पर वो जो मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट होकर के H+ आयन देता है, जितने ज्यादा H+ आयन देगा डिसोशिएट होकर के, वो उतना ही अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, और अगर नहीं दे पाता है तो नहीं, वो क्या कहलाएगा, वो फिर लेस एसिडिक कहलाएगा। ओके, आगे समझ में बात। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखी, अलग अलग तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखे, सॉरी यहाँ पे, और इस पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारे टाइप के दूसरे बॉन्ड देखे, चाहे वो कोवेलेंट हो, आयनिक हो, डेटिव हो, मेटेलिक हो, चाहे हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड हो। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि ठीक है, हमारे पास में बॉन्ड है, कोई सा भी बॉन्ड है, चाहे वो आयनिक हो, चाहे डेटिव हो, चाहे कोवेलेंट हो, चाहे मेटेलिक हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो,
ये जो बॉन्ड है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती? प्रॉपर्टीज, तो बॉन्ड प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, बॉन्ड लेंथ। ये एक बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। वो बॉन्ड बन गया, जैसा भी बन गया, जिस भी टाइप का बॉन्ड हो, लेकिन हर तरह के बॉन्ड में किसी ना किसी तरह की बॉन्ड लेंथ तो आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो NaCl ये आयनिक बॉन्ड हो, चाहे HCl ये हो, चाहे आप यहां पर NH3 और ये अमोनियम आयन देख लें, ठीक है ना, इसमें डेटिव बॉन्ड हो गया, ओके, चाहे ये आयरन आयरन के बीच का ये मेटेलिक बॉन्ड हो गया, चाहे हमारे पास में ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये सारे के सारे बॉन्ड जो भी हैं, इन बॉन्ड्स की कुछ ना कुछ तो लेंथ होती होगी। यहां इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच का एक लेंथ, यहां पर इस आयरन और इस आयरन दूसरे आइटम के बीच का लेंथ, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है और इस हाइड्रोजन के बीच का लेंथ, ये हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच का लेंथ और इस सोडियम और इस क्लोरीन क्लोराइड आयन के बीच का लेंथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो हर तरह के बॉन्ड में एक तरह की प्रॉपर्टी हम यहां पर पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ होती क्या है? तो एवरेज डिस्टेंस हमारे पास में, जैसे HCl का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ये है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये दोनों जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये इसके न्यूक्लियस है। तो बॉन्ड बनाने वाले दोनों जो एटम्स हैं इनके न्यूक्लियाइज के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का, इसको ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम एक यूनिट में जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल में जो ये जो बॉन्ड होते हैं ये काफी छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो 1 angstrom इक्वल्स टू 10^-10 सेंटीमीटर। तो अब ये हम लिखें तो ये थोड़ा सा इस तरह का लिख सकते हैं, और या फिर हमने इसको बता दिया कि साहब ये 1 angstrom के बराबर होता है, तो इसलिए इसकी जो यूनिट है उसको हम 1 angstrom मतलब angstroms के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा रहा बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, कब बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करेंगे या बॉन्ड लेंथ को कम ज्यादा करेंगे। तो देखो, अगर एटम का जो साइज है, सबसे पहला जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, देखो अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक H2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो यहां पर इसके और इसके इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम इसको कह देते हैं कि साहब ये बॉन्ड लेंथ है। अच्छा, मैं अगर क्लोरीन क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का साइज ऐसा होता है, बड़ा होगा ना हाइड्रोजन से काफी, और इसका न्यूक्लियस यहां पर है, इसका न्यूक्लियस यहां पर है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां एटम का साइज छोटा था हाइड्रोजन के केस में, और इस क्लोरीन के केस में क्लोराइड जो एटम है उसका साइज बड़ा था। तो एक क्लोरीन एटम का साइज जब बड़ा है तो ये किसी दूसरे के साथ में जब कंबाइन होता है तो उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया, जाहिर सी बात है। इसका मतलब कि जो एटम का साइज है वो प्रभावित करता है किसको? बॉन्ड लेंथ को। कि एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो रहे सेम के साथ H2 मिला दिया है, हमने क्लोरीन क्लोरीन मिला दिया, क्या हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि आपने लिया HCl, जैसे कि आपने लिया HBr, जैसे कि आपने लिया HI और आपने लिया जैसे HF, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का साइज तो सब में बराबर है, ये हमने सब में बराबर कर दिया, ये सब में बराबर,
और फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन का साइज इतना है, तो क्लोरीन का साइज इतना है, ब्रोमीन का साइज इतना है, और आयोडीन जो है उसका साइज इतना है। तो अब आप इनका बॉन्ड लेंथ देखो, इसका बॉन्ड लेंथ जो आएगा वो इतना आएगा, इसका बॉन्ड लेंथ जो आएगा वो इतना आएगा, इसका बॉन्ड लेंथ जो आएगा वो इतना आएगा, और इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो इतना है। जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर साइज बढ़ रहा है किसी एक एलिमेंट का भी या एटम का, तो उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ कब बढ़ती है, जब एटम का साइज बढ़ता है, पहली बात। दूसरा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को भी देख लेते हैं। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम क्लोरीन की है, फिर ब्रोमाइड की है, ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा तो पास पास आ जाएगा, पास पास आ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ है उसका साइज छोटा हो जाएगा। यहां पर क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। यहां पे ब्रोमीन जो है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो और कम है, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, और यहां पर आयोडीन जो है उसका साइज और ज्यादा बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, चाहे वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, चाहे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का और चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन के प्रति, और इलेक्ट्रॉन का जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा होता है तो पास पास आ जाते हैं और साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक और फैक्टर है जो प्रभावित करता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीसिप्लिटी ऑफ बॉन्ड, है ना, वो क्या होगा यहां पर, मल्टीसिप्लिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ये क्या बोला है, मल्टीसिप्लिटी। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टी, ये मल्टीपल हो गया ना, कि सिंगल बॉन्ड, अब दो सिंगल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड कहलाएगा, तीन सिंगल बॉन्ड हो तो ट्रिपल, ये मल्टीपल हो गए, है ना। इसको हमने वन से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने टू से मल्टीप्लाई किया, वन मल्टीप्लाइड बाय टू, ये वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री, यहां पे वन मल्टीप्लाइड बाय वन, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको हम मल्टीसिप्लिटी ऑफ बॉन्ड बोलते हैं, कि कितने मल्टीपल्स में बॉन्ड प्रेजेंट है। खैर बात आती है यहां पे, तो मल्टीसिप्लिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, मतलब ये बॉन्ड जो होगा कार्बन कार्बन का वो क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, है ना, यहां पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी होगी, और कार्बन कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर आ गया तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, और अगर ये आ गया तो ये बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे मल्टीसिप्लिटी बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, घटती जाती है। अब ये घटती क्यों है, ठीक है ना, इस बात पर अगर हम बात करें तो देखो इनमें एस करेक्टर को हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, यहां पर जो है वो sp2 होता है, और यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर आप यहां देखें तो s करेक्टर यहां पे केवल 25% होता है, यहां पे 33% होता है, और यहां पर 50% होता है, क्योंकि 50% s है, 50% p है, यहां पे तीन में डिवाइडेड है, तो यहां पर 33 इसका, 33 33 इस p का, यहां पे 25% p s का, और